वेलकम टू रिया निखिल व्लॉग। और आप सभी लोग कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ। आप सभी को करवा चौथ की बहुत 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 बधाई हो। हैप्पी करवा चौथ। ये अच्छा लग रहा है, हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू। और बस मैंने सभी काम कर लिया है। सुबह मैंने व्लॉग स्टार्ट नहीं किया था, अभी व्लॉग स्टार्ट किया है मैंने। सारा काम करने के बाद मतलब बेडशीट वगैरह बिछा दी है, झाड़ू पोछा सब कुछ मैंने कर दिया है। और बाहर से अभी पोछा लगा के आई हूँ तो पोछा सूख रहा है, अभी सारा गीला हो रखा है। और मेहंदी मैंने लगा ली थी। मेहंदी ये वाली इतनी रची नहीं है क्योंकि ना जस्सू उठ गया था जब भी ये लगाई, तो ये लास्ट में लगाई थी उल्टे हाथ पे, जस्सू उठ गया था फिर रोने लग गया था। फिर पता ही है कि हाँ बच्चे जब तक करने लग जाए तो मेहंदी नहीं दिखती है। और मेहंदी मैंने धो दी उसी टाइम पर। दूसरा हाथ यहाँ तक लगवाई है। अब के बार मैंने ज़्यादा मतलब ज़्यादा ज़्यादा नहीं लगवाई, थोड़ी ही लगवाई है, नहीं तो मैं यहाँ तक लगवाती हूँ हर बार तो। बट अब की बार नहीं लगवाई जिसू करके। और आप सभी लोग सोच रहे होंगे मैं अभी तैयार नहीं हुई हूँ, तो अभी मैं तैयार नहीं हुई हूँ। सुबह मैं नहा ली थी और सुबह सुबह मम्मी ने बनाई थी सरगी। सरगी मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। बनाई थी ऑलमोस्ट कुछ 3:30 बजे और फिर मम्मी ने मुझे आके उठा दिया था। हमेशा मतलब मैं सोचती हूँ कि हाँ चलो अब के बाद भी मैंने सोचा था कि उठ के ना मम्मी का व्लॉग वगैरह शूट कर लूँगी, लेकिन मैं सोई ही 2:30 बजे थी। 2:30 बजे सोई थी, फिर 3:30-4 बजे मम्मी ने उठा दिया था सरगी खाने के लिए। मम्मी ने बना ली थी और सरगी बनी थी बहुत ज़्यादा टेस्टी, वो आप नेक्स्ट क्लिप में देख लेना। और साथ में हम लोग खाते हैं गिरी। और आप लोग कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोग करवा चौथ में इन द मॉर्निंग क्या खाते हो। होता है ना इन द मॉर्निंग खाते हैं कुछ ना कुछ, तो हम सरगी खाते हैं, मतलब फेनियाँ जो होती हैं वो खाते हैं हम, फेनियाँ और साथ में गिरी। और मतलब मॉर्निंग में एक बार पानी वगैरह पी लेते हैं। तो बस तभी मैं नहा ली थी और उसके बाद फिर मैंने पैरों में मेहंदी लगाई थी और अब भी लगी हुई है देखो। बस अब इसको हटा के और फिर मैं काम वैसे ही कर लिया मैंने पैर मेहंदी लगाने के बाद। और तो चलो ठीक है, मिलते हैं आगे आगे जो भी होता रहेगा मैं आप लोगों को दिखाती रहूँगी। बहुत मज़ा आने वाला है, इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है। और सुबह से जिसने कुछ भी नहीं खाया है, पता नहीं इसको क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो मैं सोच रही हूँ थोड़े से फ्रेंच फ्राइज बना देती हूँ अगर वो खा ले तो। और बस चलो फिर तैयार होने के बाद ही मिलेंगे। अभी मेरे बाल देखो कैसे हो रखे हैं। और अभी मैंने चूड़ियाँ वगैरह भी नहीं पहनी हैं। और अभी मम्मी का फ़ोन आया था थोड़ी देर के पहले कि हाँ फ़ोन कर लियो दोबारा, तब मैं चादर बिछा रही थी। चादर वगैरह बिछाने के बाद अब मेरी रह गई है प्रेस और मुझे तैयार होना। और मम्मी का फ़ोन आया था तो मम्मी कह रही थी 5 मिनट के अंदर अंदर मुझे फ़ोन कर ले क्योंकि नहीं तो मैं तेरा मुँह तोड़ दूँगी। इसलिए चलो पहले मम्मी से बात कर लेती हूँ फिर आप लोगों से बात करूँगी। मैंने बिछाई है चादर, ये लगा दिए तक पिल्लोज कुशंस ऐसे करके, वो जिशु का पांडा पड़ा हुआ है। तो गाइस रात के बजे हुए 3:30 और मम्मी ने बना दी थी सरगी, मुझे देख के गए हैं खाने के लिए। और हाँ मेहंदी मैंने रात को लगा ली थी अभी। हाँ मतलब अभी सोई थी मैं तो बहुत ज़्यादा लेट 2:30 बजे। मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताने भूल गई मैं, और निन्नो मेरे लेके आए हैं सुबह सुबह गजरा। मतलब मैं हर करवा चौथ पे ना गजरा ही लगाती हूँ, मतलब मुझे रियल वाला ही चाहिए होता है, मतलब वो नहीं प्लास्टिक वाला नहीं मैं यूज़ करती। प्लास्टिक वाला वो है कि कभी कभार यूज़ कर लिया, वैसे रियल वाला अलग ही बात होती है ना। उसमें तो सुबह सुबह निन्नो मेरे लिए गजरा लेके आए थे एज अ सरप्राइज गिफ्ट। वो वाली व्लॉग में नहीं बना पाई हाँ, बट ले आए हैं, आपको लगा के ही दिखाऊंगी। अभी नहीं, लगाने के बाद फिर दिखाती हूँ मैं आप लोगों को जब मैं तैयार हो जाऊँगी। आज मैं बहुत मतलब खुश खुश सी हो रही हूँ ना, मतलब व्रत है, नए नए कपड़े पहनने हैं, सजना है धजना है ये वो। और एक बहुत बड़ी टेंशन की बात है, मेरा ना फाउंडेशन ख़त्म हो चुका है। फाउंडेशन
बिना मैं मतलब बिना फाउंडेशन के मेकअप कैसे करूँगी, तो थोड़ी सी दिक्कत है। चलो चैलेंज ही यही है आज की, आज का मेकअप कैसा रहेगा मेरा, करते हैं कुछ ना कुछ। सो गाइस अभी हम वही सारा खाना पीना कर वर के अब तैयारी कर रहे हैं। बाबू को सुला दिया और सूजी हमारे तैयार हो रहे हैं अभी। बाकी फाइनल लुक आपको दिखा देंगे। बाबू अपना सो रहा है, ये हमारी इनकी सॉरी वो करवा चौथ की थाली तैयार हो गई है। अब बस पंडितानी के आने का वेट है, फिर आपको वहाँ का भी दिखाते हैं हमारे यहाँ पे कैसे होता है कैसे नहीं। चलो ठीक है, मिलते हैं बाद में। तो सभी बाहर इकट्ठा हो गए हैं और मम्मी भी चले गए, बाबू भी चला गया, मैंने भी कुर्ता पजामा पहन लिया, बाबू ने भी सेम कलर का पहन रखा, और बाकी ये रहे हमारे आज के मॉडल तैयार हो चुके हैं ये भी। बाकी अब हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं कैसे क्या होता है। ओ मम्मी, आ लिए बस आ लिए। तो गाइज हम हो चुके थे रेडी और मैं पूजा वगैरह करके आ गए हैं, और अब जा रहे हैं फोटोज क्लिक कराने के लिए, क्योंकि हम हर करवा चौथ पे फोटोज क्लिक कराते हैं। बेशक एक फोटो क्लिक कराएं लेकिन कराते हैं। एक हमारे पास है भी है, जब टाइम लगेगा तो आपको दिखाएंगे, आपको दिखाएंगे। या फिर 20 साल जब हो जाऊंगे तब, अगर ये ब्लॉग ज्यादा लंबा नहीं बनेगा या फिर छोटा रहेगा तो मैं फिर दिखा दूंगी फोटोज अपने पिछले करवा चौथ की भी। और तो चलो ठीक है, और अभी अब जा रहे हैं फोटोज खिंचवाने के लिए। तो चलो ठीक है, पहले चले जाते हैं फिर आप लोगों को दिखाते रहेंगे। और हाँ, मैं पूजा करके आ चुकी हूँ। मम्मी आपने, आप लोगों ने देख ही लिया, मम्मी को थाली मैंने दे दी है, मट्ठी फ्रूट्स वगैरह सब कुछ मम्मी लेके आते हैं अभी फिलहाल के लिए। हम लाएंगे अपने टाइम पे, अभी फिलहाल मम्मी लाती है, तो वो सब मम्मी ने, मम्मी ने ही रखा था, मेरी थाली मम्मी ने ही बनाई थी, और हम टेंशन लेने की अभी जरूरत नहीं है, अभी मम्मी बैठे हैं। और उसके बाद बस मैंने अपनी तरफ से पैसे ही दिए हैं बस, और तो कुछ भी नहीं। और चलो ठीक है, चलते हैं हम तो फोटोज खिंचवा के और फिर मिलते हैं। जस्सू पता नहीं कहाँ घूम रहा, उसको पकड़ो जाके। अभी बाहर निकला ये लेयर्स पता नहीं कैसे लग रहे हैं मेरे, लेकिन बस निकाल लिए थोड़े से, क्योंकि मैंने अब के बार ना फ्लैट वाला वो किया है हेयर स्टाइल, आ रही हूँ। और मम्मी ने खाना वगैरह दोपहर में ही बना लिया था, मतलब सब्जी बना ली थी खाना, और मम्मी अब बना रहे चावल, आके बताते हैं। फोटो खिंचवाने अभी बस सेटिंग कर रहे हैं कि पोज कैसे बनाएं कैसे कर जशु प्यार।
प्यार कर दे हार्दिक भैया को, प्यार कर दो हार्दिक भैया को, प्यार कर दो। लो प्यार कर दे मुझे। कर दे प्यार कर दे। चाची मेरी बड़ा दो मारी के साथ खींच रहे हैं। ऐसे मारना है, कैसे मारना है हार्दिक बता। मैं तो घोड़े को ऐसे मारूंगा डिशू, वो इतनी दूर जाके गिरेगा ना, फिर कभी आएगा नहीं मेरे पास। ओ, कैसे मारेगा बता इसको। ओए कैसे मारेगा, जशू हंस के दिखा दे, जशू हंस के दिखा दे, क्लैपिंग कर दो, क्लैपिंग करो, आप भी करो क्लैपिंग। अरे बाप रे, देखो सो गाइस, अब बाबूजी अपना काम कर रहे हैं, चांद वहां से आ चुके हैं, आपको दिखा दूं तो वो दिख रहे बस, और मम्मी उन्होंने अपना पहले ही कर लिया था, बाबू अपने साथ है, बाबू को ज्यादा ही खुशी हो रही है, गुलाब जामुन देख देख के बस उसी के पीछे लग रहा है, क्यों ना, सही बात है ना। देख लो गाइस, रसु चांद को पानी देने जा रही है, बाबू ना, नो पर ये चांद को पानी दे दिया इसने, माथा मुथा टेक लिया, और ये गाइस चांद वैसे मुखड़ा देख रही है, चांद बता दिख गया होगा इसे, तो गाइस थाली कर ली है मम्मी की तैयार, मट्ठी वगैरह सब कुछ मम्मी लेके आए थे, बस मैं दे रही हूँ। चलो चलो फटाफट रुक जाओ, इधर आओ ना, हाँ हूँ ठीक है, शाबाश, रुक जाओ एक मिनट एक। सो गाइस आज देखना, आज ना रिशु ना चुन्नी ओढ़ के आएगी आज, इसलिए खाना लेके आ रही, मेरे लिए, बाबू के लिए, अपने लिए, हम तीनों साथ में खाते हैं ना, इस वजह से दिखाता हूँ मैं आपको, वो देखो आ रही है, ओह क्या बात है भाई, ये रहा खाना और ये रही रसू चुन्नी ओढ़ के, और ये रहा बाबू, बाबू तो अपनी शरारतों में लग रहा है। तो भाई रीशु के लिए मैं पिज्जा लेके आया था, मैंने कहा चलो सुबह से ही भूखी है प्यासी है, मैंने कहा कोई बात नहीं पिज्जा खा लेंगे हम, तो ये पिज्जा है, वो कौन सा था ये, कैप्सिकम पनीर पिज्जा है। तो बस आज के ब्लॉग का एंड यहीं पे करते हैं, रसू के फेस के साथ सूजी को रिएक्शन दे दो, सभी फिलहाल भूख लग रही है, चलो ठीक है ओके बाय। तो गाइज इसको देखो, ये मेरे गजरे के साथ अब क्या कर रहा है, लो जी तोड़ दिए सारे फूल भी तोड़ दिए इसने तो। तो गाइज चलो ठीक है, आज के व्लॉग का एंड करते हैं यहीं, और आप सभी को लोग अभी भूल गई, तो चलो आप सभी को व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जल्दी 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 सब्सक्राइब करो चैनल को सभी लोग, और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा,
ताकि हमारे 1K सब्सक्राइबर पूरे हो जाएं और भी ज़्यादा अच्छे अच्छे व्लॉग हमें देखने को लिए मिले। और जहाँ तक है, अगर आप मुझे अच्छे से सपोर्ट करते हो शॉर्ट व्लॉग्स में, तो आई एम श्योर फॉर कि मैं #30 days का चैलेंज फुल व्लॉग में भी करूँगी। बट अभी मैं 30 days का चैलेंज ओनली मिनी व्लॉग में कर रही हूँ, तो प्लीज़ 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 सपोर्ट करो उन व्लॉग्स को, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करो और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। टाटा बाय बाय, लव यू।